तो क्या आप जानते हैं कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं है? तो कैसे आप पता कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप बैंक जाते हैं और पैसा आप अपने फिंगर के थ्रू से निकालते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका फिंगर नहीं लेता है, काम नहीं करता है, तो बैंक वाला कहता है कि आपका फिंगर अपडेट नहीं है, आपका फिंगर अपडेट चला गया है, यानी वेरीफाई नहीं है। तो इस तरह से जो भी आपके आधार कार्ड में कमी होगा उसको आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, यानी टोटली कहा जाए कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं है। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं? मान के आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाए हैं, 1 साल 2 साल के उम्र में ही बना दिए थे, लेकिन अभी आपका बच्चा 10-15 साल का हो चुका है, तो उसका आप कहीं फिंगर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नहीं बताएगा, उसका फिंगर अपडेट नहीं बताएगा। तो आपके आधार कार्ड में जो भी कमी रहेगा वो आपका सारा चीज़ लिखा हुआ आएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं है, और अगर नहीं वेरीफाई है तो उसमें क्या वजह है, मेरे आधार कार्ड में क्या कमी है, किसके वजह से हमारा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप अपने आधार कार्ड का वेरीफाई के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं है? तो उसके लिए आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, आधार सर्विस। तो आधार सर्विस के अंदर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई एन आधार नंबर, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर चेक करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम दो आधार कार्ड यहाँ पर अभी हम चेक करने वाले हैं कि वेरीफाई है या नहीं है। तो पहला जो मैं आपको बताऊँगा वो मेरा वेरीफाई किया हुआ है, और दूसरा जो मैं आपको बताऊँगा वो मेरा वेरीफाई नहीं है। तो क्या वेरीफाई नहीं है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जिसका भी आधार कार्ड चेक करना चाहते हैं कि वेरीफाई है या नहीं है, तो उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। फिल करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर शो करेगा, और यहाँ पर आपका एज दिखेगा, और आपका जेंडर शो करेगा, और यहाँ पर आपका स्टेट शो करेगा, और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैं आपको पहला बताया, तो यहाँ पर मेरा सब कुछ यहाँ पर वेरीफाई है, मेरा आधार कार्ड में सब कुछ वेरीफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ, वो मेरा वेरीफाई नहीं है, और क्या वेरीफाई नहीं है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आएगा। तो फिर से यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक किए तो यहाँ पर आप देखते हैं आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, अटेंशन डियर रेसिडेंट, योर आधार इज ड्यू फॉर बायोमेट्रिक अपडेट, प्लीज विजिट द नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र और एनरोलमेंट सेंटर टू अपडेट योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, आपका वेरीफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या वेरीफाई मेरा नहीं है, तो यहाँ पर मेरा फिंगर अपडेट नहीं है, यानी वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ गया देख सकते हैं, और बाकी यहाँ पर जो भी वेरीफाई है वहाँ पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ कमी है, अभी वेरीफाई पूरा कम्प्लीटली नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मेरा फिंगर अपडेट नहीं है। आप अपने आधार कार्ड का पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए फिर हम एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।